Hello everyone, welcome back to my channel Kim's Rainbow. How are you all? I hope all of you are doing well. So guys, जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब किए बना मत जाना, और जो लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं थैंक यू सो मच. सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल. जैसे कि वैलेंटाइंस डे बिल्कुल एंड पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक लुक क्रिएट किया जाए. और ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम है मेकअप ट्यूटोरियल, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. प्लीज गाइज सपोर्ट मी. सो गाइज, इस लुक को जो क्रिएट करने के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ वो इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइज, कि इसके अंदर आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको सारी चीजें मिलने वाली है. गाइज, ये प्रोडक्ट है फ्रॉम द ब्रांड ब्यूटी रिलय लंदन, और इनके प्रोडक्ट्स मैंने पहले भी यूज किए हैं गाइज, ट्रस्ट मी, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं. तो ये है स्किन पेंट और बिगनर्स के लिए है, और इसमें लिखा हुआ है बिगनर्स 5 in 1. मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिगनर्स भी यूज कर सकते हैं इसको, मेकअप आर्टिस्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये है ही इतना अमेजिंग. इसकी एक छोटे से कॉम्पैक्ट वाले बॉक्स के अंदर आपको, इसको देखकर मुझे एकदम बचपन वाली याद आ रही है पेंसिल बॉक्स की, और इसके अंदर आपको ना सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं. इसके अंदर आपको बेस मिल जाएगा, इसके अंदर आपको कंसीलर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको लिप शेड मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको आई शेडो मिल जाएंगे, इवन इसके अंदर आपको आई लाइनर मिलेगा, वो भी 3 shades. सोचो इससे अच्छी बात क्या होने वाली है. और ये प्रोडक्ट मुझे इसलिए भी चाहिए था क्योंकि रिसेंटली मेरे भाई की शादी होने वाली है, तो मैंने सोचा था कि बार बार चीजों को कैरी करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो एक छोटी सी चीज मिल जाए जिसके अंदर सारी चीजें मिल जाए और मुझे इजी हो जाएगा, क्योंकि शादी के टाइम में ये हो जाती है चीजें तो मेरा लॉस हो जाएगा. तो मैंने सोचा एक छोटी सी चीज खरीदती हूँ, तो मैंने बहुत सर्च किया और मेरी नजरों पर ये आया, तो मैंने इसको परचेज कर लिया. और इसका जो प्राइस है 2995 rupees है गाइस, और ये आपको Amazon एंड Myntra पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा. इसकी मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ एक बार. ये कुछ इस तरह से आता है. इसके अंदर आपको ना पहले आपको 6 shades मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको कलर करेक्टिंग मिल जाएगा, आपको आपके बेस का कलर मिल जाएगा, आपको कॉन्टोर के लिए मिल जाएगा, और कंसीलर मिल जाएगा. मतलब जो भी स्किन टोन से आपके मैच कर रहा है ना, ये हर स्किन टोन के लिए इसके अंदर आपको कोई ना कोई शेड मिल जाएगा. उसके बाद आपको यहाँ पर 6 lip shades मिलते हैं. ये देखो 6 lip shades मिलते हैं आपको यहाँ पर, और उसके नीचे आपको ये एक ऐसे प्लेट मिलेगी जैसे बचपन में पेंसिल बॉक्स हुआ करती थी. तो उसके बाद आपको 6 shades और मिलेंगे जो कि आई शेडो की है, जिसके अंदर आपको 4 shades शिमर मिल जाते हैं और 2 shades आपको मैट मिल जाते हैं. उसके बाद आपको इसमें 3 blushes मिलेंगे और 3 eyeliners मिलेंगे, जो कि एक आई लाइनर है. सॉरी गाइज, ये मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा मैं आपको साइड में अच्छे से दिखा दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा हिल डुल रहा है. सो गाइज, ये एक तो अफोर्डेबल है, दूसरा ये ट्रेवल फ्रेंडली है, और इनका इसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब आपको ब्लेंडर की भी जरूरत नहीं है, इतना इजीली ब्लेंड हो जाता है ना, पता भी नहीं चलेगा, आपको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं. गाइज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. कर लिया है अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, और मैंने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है. तो अब आती है बारी कलर करेक्टर की. सो गाइस, अब मैं कलर करेक्टर यूज कर रही हूँ. ये ऑरेंज कलर करेक्टर है, और इसको मैं अपने अंडर आई पर लगाऊंगी. डार्क सर्कल पर मैं थोड़ा सा कलर करेक्टर लगाऊंगी, और जहां पर भी मुझे कलर करेक्शन करने की जरूरत होगी मैं वहां पर लगाऊंगी. मैंने थोड़ा सा अपने अंडर आई पर लगाया है और अपने नोज के अराउंड. उसके बाद एज अ बेस मैं इसको यूज करने वाली हूँ. थोड़ा सा मैं अपने फिंगर पे लूंगी और इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लूंगी. अपने नेक को बिल्कुल भी ना भूले, फिर आप कहीं अजीब से ना लगने लगे. काफी सारी जगह है, ठीक है. देखो गाइस, एकदम ब्लेंड हो गया अच्छे से, और इसी को मैं अपने आईज पर भी अप्लाई करूंगी, आईलिड के ऊपर भी अप्लाई करूंगी. मेरा जो बेस है वो एकदम रेडी हो चुका है. उसके बाद मैं इस पैलेट से ये वाला शेड लूंगी और इसको मैं एज अ कॉन्टोर यूज करूंगी अपनी अपने फेस को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए. मैं इसमें कोई ब्रश यूज नहीं कर रही हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि बिना ब्रश के मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं. थोड़ा सा मैं अपने नोज को कॉन्टोर करूंगी. इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज करूंगी अपने बेस को सेट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर लूज पाउडर नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है.
इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज करूंगी अपने जहां जहां पर मैंने कंसील किया था। अब मेरा बेस एकदम रेडी हो चुका है, अच्छे से सेट भी हो चुका है। उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी आई शेडो। सो गाइस, आई शेडो के लिए मैं इसमें से यूज करने वाली हूँ ये एक सबसे पहले तो मैं हल्का सा ये रेड वाला शेड इसके अंदर अपनी आई लिड पर अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा हल्का सा कलर देने के लिए। तो मैं एक आई शेडो में से ये रेड वाला शेड लूंगी हल्का सा और अपने आई लिड पर अप्लाई करूंगी हल्का हल्का सा एक कलर देने के लिए। ये मैं ब्रश की हेल्प से लूंगी, ठीक है। ये ना एक क्रीमी आई शेडोज होते हैं ना, वैसे पाउडरी नहीं है, ठीक है। हल्का हल्का सा मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी हल्का सा शेड देने के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है गाइस। नेक्स्ट इसके बाद मैं यूज करूंगी इसका ये रोज गोल्ड वाला शेड है, बहुत ही प्यारा है, इतने क्रीमी टेक्सचर है ना इनका और पिगमेंटेड तो मैं क्या ही बताऊं। इसको मैं फिंगर से अप्लाई करूंगी हल्का सा लूंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। मैं इसको अपने इनर कॉर्नर पर लगाऊंगी हल्का हल्का सा डैपिंग मोशन में। गाइस बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक है इसका, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ही अच्छी शीन है इसके अंदर ना। अगर आप आई शेडो भी ना लगाओ, अगर बिगनर्स के लिए मतलब आप फिंगर से इसको अप्लाई कर लो, लाइनर लगा लो ना, दैट्स इट। उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ, अब मेरा आई मेकअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि ये वैलेंटाइन लुक है तो बहुत ही ज्यादा हमें बहुत ही ज्यादा ब्राइट सा मेकअप नहीं करना है, बहुत ही नेचुरल लुक मुझे क्रिएट करना था, तो ये मैंने आई मेकअप भी मेरा हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लश लूंगी जो कि मैं ये पिंक वाला शेड ले रही हूँ इसमें से, ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है मुझे, इसमें थोड़ा सा मैंने लिया अपने इसके ऊपर और इसको डार्क करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पाउडर ब्लश नहीं है, हल्का सा लगाऊंगी, मुझे डर लग रहा है कहीं ज्यादा पिगमेंटेड है ना ये, कहीं थोड़ा सा मैं नोज पर लगाऊंगी। अब मेरा ब्लश भी हो चुका है, उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ लाइनर क्योंकि ये मेरा लास्ट स्टेप होने वाला है, उसी लाइनर से ही मैं अपनी आईब्रोज भी फिल कर लूंगी। तो इसके लाइनर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ब्लू लाइनर क्योंकि ब्लैक तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ, तो मैंने सोचा ब्लू ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसको इस लाइनर को यूज करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा ना आपको पानी डालना पड़ेगा और तभी केक लाइनर है, ठीक है। ये बिल्कुल हार्ड सा है, इसके अंदर थोड़ा सा एक ड्रॉप वाटर की डालेंगे, उसके बाद मैं इसको लाइनर को अप्लाई करूंगी, ठीक है। इस लाइनर को लगाने के लिए मैं ये एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ, ठीक है। गाइस ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, ये देखो कितना अच्छा शेड है इसका ब्लू, और ये ड्राई भी बहुत जल्दी से हो जाता है और ये स्मच प्रूफ भी है, ये देखो। मैं लाइनर लूंगी और इस ब्रश से हल्का सा ना यहाँ पर विंग लाइन क्रिएट करूंगी। वाओ गाइस देखो कितना प्यारा विंग लाइनर क्रिएट हुआ है इससे, मैंने पहली बार इस ब्रश से अप्लाई किया है क्योंकि मैंने कोई लाइनर ऐसे अप्लाई नहीं किया, नेक्स्ट भी लगा लेती हूँ। इसको क्लीन करने के बाद मैं ब्लैक लाइनर लूंगी, इसको मैं हल्का सा अपने ब्रश पे ले लूंगी और मैं इससे अपनी आईब्रोज भी फिल कर लूंगी जहां पर मुझे जरूरत लग रही है। तो गाइस अब मेरा है लास्ट स्टेप जो कि है लिपस्टिक। अब मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, मुझे कुछ भी नहीं करना। लिपस्टिक के लिए मैं ये रेड वाला शेड लेने वाली हूँ, अब इसको मैं ब्रश से अप्लाई करना पड़ेगा। गॉड सो पिगमेंटेड। तो गाइस मेरा जो मेकअप है वो एकदम डन हो चुका है, तो चलो थोड़ा सा हेयर कर लेते हैं और जूड़ी पहन लेते हैं। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको मेरा लुक अच्छा लगा होगा। मैं तो इस लुक से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इसका जो बेस है ना बहुत ही ज्यादा लाइट है, मुझे अपने फेस पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि मैंने कुछ अप्लाई किया है, कोई फाउंडेशन लगाया, कंसीलर लगाया, इवन मतलब जो इसके अंदर था ना मैंने वही सब चीजें लगाई है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट इनका प्रोडक्ट है। जो आई मेकअप है वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ मैं इससे, मैंने हल्का सा रेड शेड लिया था और थोड़ा सा मैंने रोज गोल्ड शेड लिया था, मेरी आईज मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है और इसका जो लाइनर है वो भी बहुत पिगमेंटेड है, इजी टू यूज है। इनके प्रोडक्ट्स में ना मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है कि आप ना अलग अलग से एक एक चीज भी कैरी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको सारे प्रोडक्ट एक साथ लेके जाने
पड़े, ठीक है। अगर आप इसमें से एक ब्लश उठा लो, एक अपना कोई भी मतलब फेस बेस के लिए अगर आप कोई भी एक शेड उठा लो, ब्लश उठा लिया और आप इसको एक कॉम्पैक्ट से छोटे से पर्स में भी डालोगे ना तो बहुत इजी टू कैरी हो जाएगा। लिप शेड लेना है आपको तो आपने ये उठा लिया एक सिंगल से, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल लगा, बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट लगा यूज करने में भी और कैरी करने में भी। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली भी है और टूटने का कोई डर नहीं है इसके अंदर, खोने का भी कोई डर नहीं है इसके अंदर। एक छोटे से बॉक्स के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है। सो गाइज, आई होप आपको भी मेरा ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा लुक अच्छा लगा है तो प्लीज गाइज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा है। कोई मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आज मेरा फर्स्ट टाइम ये मेकअप लुक का ट्यूटोरियल था, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे भी मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। गाइज इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ एंड बी।